महोदय अगर नहीं बोलने दीजिएगा तो आगे सब प्रश्न नहीं करेंगे महोदय, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुझे अधिकार से वंचित कर दीजिए। आप समय भी पूरा है महोदय, मैंने नहीं कहा। गवर्नमेंट ने जवाब दिया। मैंने नहीं कहा महोदय, आप उन्होंने 1500 का जिक्र किया। जो उद्देश्य है महोदय, मुझे बोलने दीजिए महोदय, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको कैसे नहीं बोलने दे रहा हूं। बोलने दीजिए ना। आप लोगों के आप लोग जो चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में गौशाले को लेकर के और SDO जिस तरीके से चुनाव नहीं करा रहे हैं, तमाम जितने गौशाले हैं उन सभी जगहों पर क्यों मनमानी हो रही है, सरकार का ध्यान कहाँ है इस मुद्दे पर। जब पशु एवं मत्स्य विभाग से सवाल किए गए नंदकिशोर यादव, जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं BJP के, उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए और सवाल का जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष से भी बकझक हुई है, काफ़ी नोकझोंक हुई है बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान। नंदकिशोर यादव ने कहा है जवाब नहीं दे पा रहे मंत्री, सामने में कृषि मंत्री कुमार सरजीत जवाब दे रहे थे, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेदारी भी है, तो ऐसे में जब जवाब दे रहे थे सरकार की ओर से कुमार सरजीत, तो क्या कुछ उस वक्त घटनाएँ हुई हैं बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान, जरा देखिए। महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का तो समर्थन कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय। अब आप क्या चाहिए महोदय, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सच में चुनाव नहीं होता है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, वो यह भी कह रहे हैं कि वो लगातार यहाँ से पत्र भेज रहे हैं, और बिहार सरकार का प्रशासनिक पदाधिकारी जो अनुमंडल पदाधिकारी होता है वो इनकी बात नहीं सुनता है। महोदय सवाल यही है, महोदय बिहार में जो गौशालाएं आप महोदय जानते हैं, गौशालाओं की एक लंबी श्रृंखला अपने यहाँ, और महोदय जिस हमारे जो पूर्वज लोग थे सब लोगों ने अपनी जमीन दान दी महोदय, उस गौशालाओं का विकास किया है, उन गौशालाओं में दूध देने वाली गाय तो रहती है महोदय, लेकिन साथ साथ जो दुधारू गाय नहीं है, जो पशु दूध नहीं देते हैं वो भी वहां पाले जाते हैं महोदय, उनकी भी देखभाल होती है, उन पूरे बिहार के उन गौशालाओं की हालत बदतर हो गई महोदय। इसलिए सवाल ध्यान आकर्षण आया महोदय, केवल चुनाव का विषय नहीं है, चुनाव भी एक विषय तो, लेकिन जैसा मैंने कहा महोदय कि चुनाव ही नहीं हो रहा है। अब चुनाव नहीं होने का परिणाम क्या होता है महोदय? अध्यक्ष है SDO और चुनाव उन्हीं को कराना है, जो नियम नियमावली है महोदय इनके विभाग का, उसमें इस बात का प्रावधान है कि SDO ही अध्यक्ष होगा और SDO को ही जिम्मेवारी है चुनाव करवाने की। महोदय कहाँ पेच है, जब SDO ही अध्यक्ष हैं और उन्हीं को चुनाव कराना है तो 5 साल पे नियमित चुनाव नहीं होने का कौन सा कारण? और अगर कोई अनुमंडल पदाधिकारी इनकी बात नहीं सुनता है, सरकार की बात नहीं सुनता, सरकार महोदय ये कोई व्यक्ति हो रही है, और सरकार की बात नहीं सुनता है तो कौन सी कार्रवाई की जा रही है महोदय? पहला प्रश्न। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य काफी सीनियर हैं, इन्होंने हम लोग उनके मामले उठाए हैं, हम लोग तो अभी उनके सामने सीख रहे हैं। 5 महीना हुआ, तारीख इन्होंने नहीं देखा, 15 साल से इनका एक भी पदाधिकारी चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हुआ, 15 साल इन्होंने पत्राचार करते रहा, एक अधिकारी इनका कोई बात नहीं सुना। आप दिनांक देखिएगा जवाब में कि 26/8/2022 26/3/2022 को हमने पत्राचार किया, इसका चुनाव होना चाहिए, आप इसकी सूची भेजिए। और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं महोदय कि जो चीज इन्होंने 15 वर्षों में नहीं किया, हम इसको 5 महीने में संज्ञान में आते हमने लिखा है, और अविलंब इसका चुनाव होगा, और जो अधिकारी इस पत्र का जवाब नहीं देंगे उससे कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई भी करेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको महोदय। महोदय माननीय नंदकिशोर बाबू, आपके प्रश्न ध्यानाकर्षण लाने का जो उद्देश्य है नहीं पूरा हुआ, सरकार बिल्कुल तत्परता के साथ तैयार है। महोदय अगर नहीं बोलने दीजिएगा तो आगे सब प्रश्न नहीं करेंगे महोदय, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुझे अधिकार से वंचित कर दीजिए। आप समय भी पूरा है महोदय, अभी महोदय नहीं महोदय नहीं महोदय, मुझे बोलने का अधिकार है। आपको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का समय दिया गया, आपने बोला, सरकार ने 2-2 बार खड़ा होकर के जवाब दे दिया। कहां 2 बार खड़ा? तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एक और एक ही महोदय, मैं तो पूछूंगा महोदय, महोदय मेरी बात सुनिए नहीं अन्य भी ध्यान महोदय मेरी बात सुना जाए महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं, कोई सीनियर मंत्री नहीं बैठे हैं, एक बैठे हैं, जिस प्रकार का जवाब दिया माननीय मंत्री महोदय ने, आपको उचित लगता है?
15 साल की बात करते हैं, 15 साल में कौन मुख्यमंत्री था, कौन मुख्यमंत्री था? अगर 15 साल के शासन काल, शांत रहिए, सुनिए, 15 साल के शासन, महोदय उन्होंने कहा, महोदय मैंने नहीं कहा, गवर्नमेंट ने जवाब दिया, मैंने नहीं कहा महोदय, आप उन्होंने 15 साल का जिक्र किया, जो उद्देश्य है महोदय मुझे बोलने दीजिए, महोदय ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको कैसे नहीं बोलने दे रहा हूं, बोलने दीजिए ना महोदय, 15 साल के समय बीत रहा है, कौन शासक, कौन मुख्यमंत्री था महोदय? और अगर नहीं हुआ, अगर बिहार की सड़कें बनी और शेर लेना चाहते मुख्यमंत्री श्रीमंत्री यादव, वो प्रेम कुमार को नहीं मिलता है, तो अगर गौशालाओं का चुनाव नहीं हुआ 15 साल में, तो पशुपालन मंत्री जिम्मेवार क्या होगा, मुख्यमंत्री क्यों जिम्मेवार नहीं होंगे, जवाब दे मंत्री, ये क्या तमाशा बना के रखा 15 साल का, 15 साल शासन आपके कब्जे है, आपके संगठन का असर हो रहा है, आप सीनियर सदस्य हैं, जवाब देते हैं, आपने प्रश्न किया, आपने प्रश्न किया, आप जवाब सुनिए, जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए महोदय, जवाब देंगे मैं फिर भी एक प्रश्न पूछूंगा महोदय, मैं कह रहा हूँ ये नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, ये तरीका है क्या जवाब देने का, मैं कह रहा हूँ कि 15 साल मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कौन थे, 15 साल पशुपालन मंत्री कौन थे, क्या आप डर रहे थे ये गौशाला का प्रश्न उठाने में, क्यों डर रहे थे आप? जब पशुपालन मंत्री आपकी सरकार थी उसमें आपके ही पशुपालन मंत्री थे, आप क्यों डर रहे थे ये प्रश्न उठाने से? महोदय इनको डर लग रहा था कि मैं यादव हूं, कहीं गौशाला का मामला उठाऊंगा, पता नहीं सरकार क्या कहेगा, लेकिन जैसा ही सरकार हमारी बनी, हमारे संज्ञान में आया महोदय, मैंने तुरंत पत्राचार किया और माननीय सदस्य को मैं पूरे भरोसे के साथ में कह रहा हूं कि पत्राचार किया हूं, इस पत्राचार के आलोक में उनकी पूरी सूची आएगी, चुनाव होगा और आपको मैं भरोसा, आप चिंता एकदम नहीं करिए, हमारे संज्ञान में जो आया है हम इस पे काम कर रहे करेंगे, यही हम जवाब इनको दे सकते हैं। अब ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, अब ये कभी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, अरे भाई नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो हम करने के लिए तैयार है ना महोदय, अगर नहीं हुआ, अगर इसका चुनाव नहीं हुआ, मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं तो कह रहा हूं कि हूं, सरकार कहां पीछे हट रही है। माननीय मंत्री आपने आदेश दिया है और निश्चित आप चुनाव कराने के लिए आपका निश्चय आपके मन में है, इसलिए माननीय नंद किशोर बाबू संतुष्ट है, चुनाव आप जरूर कराइए। नहीं महोदय, माननीय सभा श्री अख्तरुल इमाम शाहीन अपनी सूचना को पढ़े। आप लोगों के, आप लोग जो चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, अख्तरुल इमाम आप अपना अपना सूचना पढ़े, सरकार ने जवाब दे दिया है। राज्य में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश, आंधी तूफान, तो नंदकिशोर यादव और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी में कैसे बकझक हुई, आपने देखा है, विपक्ष ने फिर वेल में आकर खूब हंगामा किया है, उस दौरान की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। हालांकि सवाल जवाब के क्रम में सरकार का उत्तर हुआ भी, लेकिन 15 साल पहले जो चले गए इस पर बीजेपी को मिर्ची लग गई, और फिर नंदकिशोर यादव ने भी खूब बोला है, सदन के अंदर खूब प्रतिरोध किया है, आपने तस्वीरें देखी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद।